दिल्ली में एक बार फिर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में दिन दहाड़े एक महिला पर गोली चला दी जाती है और जो गोली चलाने वाले व्यक्ति थे वो जो है एक वकील के भेष में आकर के महिला पर गोली चला देते हैं। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर दिल्ली में महिलाएं वाकई सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों की तादाद में पुलिस का पहरा रहता है, तमाम जगह सिक्योरिटी की पूरी तरह से मुस्तैद होती है, लेकिन उस बीच जो है एक महिला पे सरेआम गोलियां चला दी जाती है और कोई गोली एक नहीं बल्कि लगातार 4 गोलियां उसको मारे जाती है। अगर इस समय महिला की हालत की बताएं तो वो गंभीर हालत में एम्स से भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से ये कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर लगातार जो है महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए लगातार बात की जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बीते कुछ महीनों में भी ऐसी वारदातें हुई हैं जो महिलाओं को अगर दिल्ली में कितनी सुरक्षित है इस बात को तो वो वाकई बता देती है, लेकिन एक बार फिर से जहां हजारों की तादाद में पुलिस मुस्तैद थी उसके बाद भी वकील के भेष में युवक आते हैं गुंडागर्दी करते हुए एक महिला पर गोली चला देते हैं। बताया जा रहा है कि वो जो महिला थी वो जो गवाही देने वहां कोर्ट जा रही थी जिसके बाद उस पे गोली चला दी जाती है, जहां एक तरफ सरकारें कहती हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर रही हैं, उनके प्रदेश में की बात करें या उनके राज्य की बात करें वहां पर जो है सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, कानून व्यवस्था बड़ी ही देखा जाए तो सही है, लेकिन वाकई क्या सही है, क्या महिलाएं जो है वो वाकई सुरक्षित है, ये सवाल बना रहेगा। तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ, मैं आस्था तिवारी और कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।